हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ध्यान से सुने, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा, आता रहा है कंटिन्यू। इसको एकदम अच्छे से समझना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे पूरा सिस्टम मुंह से लेके गुदा तक जो पचता है हमारा खाना जाने के बाद, उस सारे को सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम में क्या क्या आता है? तो आहार नाल आता है। आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना, एक एक करके बताएंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा ग्रास नली में। जैसे खाना मुंह में लिया और फिर उसको चबाया, उसको फिजिकली प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद मुंह में लार वगैरह निकलने लगता है, तो ये स्टार्ट हमारा पाचन कहाँ से आ जाता है? मुख्य गुहा, जिसको माउथ कहते हैं। मुंह से लेके एनस तक की लंबाई होता है 9 मीटर। 9 मीटर के मतलब 32 फीट। 32 फीट, ये 32 फीट मतलब 3 मंजिला एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो 9 मीटर भी आ सकता है या 32 फीट आ सकता है। तो क्या कहना है? आहार नाल की लंबाई इतना है। उसके बाद खाना चला जाता है ये कंठ, जिसको बोलते हैं ग्रासिका, उसको बोलते हैं। वहां पर खाना पचता उसता नहीं है। टोटल डिटेल्स तो बाद में लिखा देंगे, पहले समझे कि खाना मुंह से आया, फिर आहार नाल में आया, फिर चला गया। आहार नाल किससे चला जाता है? स्टमक, पेट में। पेट में जाता है, उसी के साइड में रहता है, या फिर लीवर है ना, लीवर का काम किया है वो। पित्त रस रहता है बगल में, एक थैली पित्त रस का। वो खाना को जो उसमें बैक्टीरिया, जो फंगल उंगल इन्फेक्शन, जर्म वगैरह मुंह से जो बच बचा के चला जाता है पेट में, वहां मारता है और पचाता है ये पित्त रस फैट को। फैट मुंह में नहीं पचता है, बड़ा बड़ा कण रह जाता है तो पेट में जाता है, स्टमक में। उसके बाद वो वहां पचता है पित्त रस से, ठीक है। तो कहां गया? लीवर से आ गया आमाशय। लीवर से आया नहीं, इसोफेगस से आता है सीधा आमाशय पेट में। और लीवर जो है ना, वो कुछ इंजाइम वगैरह छोड़ता है पचने के लिए, है ना। उसके बाद आमाशय में खाना आया, आमाशय में खाना आने के बाद वहां पर पचता है, ठीक है। क्या होता है? पचता है, पच के फिर ये उसी के साइड में रहता है अग्नाशय, इससे भी जूस जाता है इंजाइम खाना। उसके बाद खाना चला जाता है किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाता है, बढ़िया पहले लिख दे मैंने, छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत याद रखना, क्षुद्रांत एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है बड़ी आंत में, फिर गुदा में। ये खाना का प्रोसेस है पचने का। कैसे कैसे जाता है? पहले मुंह में जाता है, उसके बाद मुंह से गुदा तक के जो ये है, यहाँ पर मुख मौत कह देंगे, मौत से जाता है, तो उसके कैनाल जिसकी लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होता है। ग्रास नली, लीवर, यकृत, फिर उसके बाद कहाँ आता है? स्टमक में। लीवर में आता नहीं, लीवर छोड़ता है उसके अंदर जो पाचन तंत्र का सिस्टम में, ये लीवर भी है और पैंक्रियाज भी है। उसके बाद स्टमक में आता है, स्टमक से आपके आ जाता है छोटी आंत में, तब बड़ी आंत में, फिर गुदा होके आपका ये निकल जाता है मल। तो आते हैं इस आहार नाल में, मुंह में जैसे आया तो दांत, तो दांत को समझ लेते हैं। दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हुए, उसको अच्छे से, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो दांत को समझते हैं, तिथ को, तिथ डिके, दंत क्षरण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आइए जानते हैं, मुंह में जैसे खाना गया चबाते हैं दांत से, तो दांत को अच्छे से समझ लेते हैं। दांत से भी इंपॉर्टेंट है आपके दैनिक जीवन में भी, और एग्जाम के भी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दांत क्षरण में क्या है? टूथ डीके, एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन आएगा, टूथ डीके। ये दांत है, दांत के पहले पूरे ऊपर जीभ आता है, दांत के बाद, तो जीभ को समझ लेते हैं, छोटा सा बात है। जीभ में क्या होता है? ये जीभ है, ये नीचे वाला भाग मिठास का पता करता है, नीचे वाला भाग क्या करता है? मिठास का पता करता है। ये साइड वाला खट्टा और ये वाला ऊपर वाला कड़वा का ये पता करता है ना, किसका? मीठा वाला, सामने वाला, साइड वाला खट्टा, ऊपर वाला कड़वा, तब जाके आपका दांत का पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो जीभ समझ में आ गया, जीभ में इतना ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ना है बाद वाली क्लास में, है ना, ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है एग्जाम पर्पज से उतना ही पढ़ना, टेंशन लेने का नहीं है ना देने का है। तो आइए जानते हैं कि दांत है, तो दांत में 32 दांत होता है आपके, ऊपर 16 नीचे 16। तो मनुष्य में टोटल कितने दांते होते हैं? तो 32। कितना होता है? 32 दांत। उसमें दांत में आगे वाला क्या काम है, साइड वाला का क्या है, ये जो शेर का दांत की तरह निकला रहता है कूना वाला, उसको समझ लेते हैं पहले। तो आगे वाले दांत को कहते हैं इनसीजर, याद रखना इंग्लिश में ही, जिसको हिंदी में कहते हैं
छेदार, ये काम काटने का, जैसे कुछ खाते हैं ना हम लोग सेब वगैरह अमरूद या कुछ, हाँ मारते हैं बाइट जिसको कहते हो, वो आगे वाले को कहते हैं इनसीजर, ये वाला है पूरा। ये कोना निकला हुआ जो शेर की तरह, इसे कैनाइन कहते हैं, कोई कड़ा चीज को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसे भेदक करते हैं, इसको फाड़ना वाला कभी कहते हैं, तो फाड़ता है कोई भी चीज को, फिर उसके ऊपर में दो आता है प्री मोलर, अब फिर उसके ऊपर में तीन आता है क्या मोलर। तो मोलर का काम क्या है, खाना को चबा उबा के अंदर डालता है, जो खाना चबा के एकदम लसलसा वगैरह हो जाता है फिर पेट में ग्रस नली में जाता है उसको कहते हैं बोलस। इसका कहते हैं बोलस, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक दांत उठाया और दांत में कैसे कैसे लेयर है वो समझते हैं। तो फर्स्ट ये दांत ले लिया, दांत के ऊपरी वाले लेयर को इनामेल कहते हैं, उसके बीच वाले लेयर को क्या डेंटाइन कहते हैं, फिर उसके अंदर वाले लेयर को, अंदर वाले को कहते हैं पल्प। इस तीनों को क्राउन, जैसे कोई चीज ढक देता सर पर पहनता ना क्राउन, इस तीनों को इनामेल का क्या काम है, डेंटाइन का क्या काम है और पल्प का क्या काम है। यहीं पर जब दंत क्षरण बैक्टीरिया वगैरह जमने लगता है तब जाके दांत को नुकसान होता है, इसको देखेंगे। समझ में आ गया, दांत के ऊपरी वाले परत को, जैसे ये दांत है, ये वाला परत इनामेल है, उसके नीचे वाला डेंटाइन है और ये इसके अंदर में पाल पे भरा हुआ, इस तीनों को कवर किए हुआ है, उसको क्राउन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर चार क्वेश्चन है और यहाँ पर भी चार क्वेश्चन, एक दो तीन चार क्वेश्चन, इसमें भी तीन क्वेश्चन है, इतने से बात में आपको कितना है, चार चार आठ तीन ग्यारह, मतलब 20-22 क्वेश्चन इसके अंदर में आई है। आपको जीवन भर अच्छे से याद रखना है इसको, है ना। तो 32 समझ गए, दांत के ऊपरी वाले भाग को इनेमल कहते हैं, नीचे वाले भाग को, जस्ट नीचे को डेंटिन कहते हैं और पल्प कहते हैं इसके अंदर वाले भाग को, और इस तीनों को कहते हैं क्राउन, जैसे ऐसे कवर किया हुआ है ना। तो इनेमल का क्या काम है, उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या भाग कौन सा है, तो दांत है ना, एक क्वेश्चन बना, आगे चलते हैं। एनिमल का काम है, ये बना होता है उत्तक का, ठीक है, किसका बना होता है उत्तक, जिसको टिश्यू कहते हैं, है? ये क्षतिग्रस्त से बचाता है, दांत के अंदर जो डेंटिन है ये सारे को क्या सेव करता है, ये एनिमल रक्षा करता है, ठीक है। यही एक एक लाइन करके याद करना, एक एक पॉइंट लिखोगे बढ़िया सा नंबर भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्व है, ऑब्जेक्टिव बढ़ाने का सरकार जो क्वेश्चन सेट करवा रहा है महान सब लोगों से, उसका कुछ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए रट के नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा, किससे, कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है, डेंटिन का काम समझ गया कि दांत का रक्षा करता है, ये ऊपरी परत होता है और टिश्यू का बना होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है ना, डेंटिन का मध्य भाग होता है ये आप जान गए, इसके बाद इनेमल के बाद डेंटिन होता है, इसका सहारा देता है, किसको सहारा देता है, इनेमल को सहारा देता है। फिर पल्प क्या है, सबसे भीतरी भाग है, ये तो समझ रहे, मुदुकरण का कारण क्या है, मतलब सॉफ्टनिंग, दांत का सड़ने का कारण क्या है, ये आप लोगों को इसलिए बताया गया है कि दांत का सेफ कैसे करें, दांत की रक्षा कैसे करें, क्या करना होगा। तो दांत के एनिमल ऊपरी वाला भाग और डेंटाइन को सॉफ्ट कर देता है, कौन सॉफ्ट कर देता है, बैक्टीरिया कर देता है। जब आप खाना खाते हो उसमें मिठास होता है ना, मिठास को वो खा कर क्या करता है, फिर बैक्टीरिया क्या करता है, सॉफ्ट को करने लगता है, किसको करने लगता है, तो जीवाणु सकरा को पर क्रिया करता है, सकरा पर क्रिया करता है और आमले बनाता है। आमले जानते हो, कोई भी चीज को गला देगा है ना, आमले गला देगा, वही आमले क्या करता है, दांत को सॉफ्ट करता है, धीरे धीरे दांत सड़ने लगता है, बैक्टीरिया दांतों पर चिपकता, काला काला देखोगे खोलाड़ हो जाता है, पिक भी दे देंगे, खोलाड़ हो जाता है, वो धीरे धीरे चला जाएगा डेंटाइन के पास, यहां से धीरे 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 आमले के पास, पूरा दांत को खोलाड़ बना के खा के खत्म, फिर आप हो जाओगे पोपले। तो इसके बचाव के दंत डीके हो रहा है, दंत केयर में क्या है, आप ब्रश करें, ब्रश से बढ़िया है नीम का दातन ले, दतमन जो होता है उसको खूब बढ़िया से एक बार सुबह एक बार रात को सोते वक्त आप करो, दांत भी फ्रेश रहेगा, जो बैक्टीरिया कीड़ा लगा है, खोलड़ वगैरह हो गया आपके दांत में, दंत प्लंक इसको कहते हैं,
है ना, ये क्वेश्चन आएगा दंत प्लांक किसके वजह से होता है, तो बैक्टीरिया खोलड़ बना देता है, उसी खोलड़ को दंत प्लांक कहते हैं, वो आपको ठीक हो जाएगा, इसका बचाव भी आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था आपके मुख्य गुहा से लेकर एनस तक एलिमेंट्री ग्लैंड की लंबाई आप जान गए हो, उसका लिखवा देंगे, पहले उससे नक्शा बनाते हैं, उसका पिक्चर बहुत ही जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम लोग पढ़े थे मुंह में जब खाना होता है वहां पाचन होने लगता है, तो जीभ का काम क्या है, दांत का क्या काम है, ये सारे चीज जान गए। जीभ के सामने वाला मिठास का, जीभ के सामने वाला मिठास होता है, साइड वाला खट्टा, ऊपर वाला कड़वा, और दांत का जान गए थे ऊपर वाला इनेमल, नीचे वाला बीच वाला डेंटाइन, और उसके भी अंदर वाला पल्प। तो आइए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो ड्रॉ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर। तो ये रहा आपका मान लिया मुंह, ये आप मुंह बना लिया, यहां से मुख्य गुहा हो गया, ये पूरा भेजा नहीं बना रहे, यहां से आपका खाना आता है, कहां आता है, ये आपके पेट में आ गया, ये पेट हो गया है ये पेट। अब यहां से पेट से सीधा खाना भेजता है कहां, छोटी आंत में, है ना, ये छोटी आंत हो गया, ये छोटी आंत, ये छोटी आंत, एकदम आराम से बना, ये हो गया एनस, जिसको गुदा कहते हैं, तो गुदा एनस यहां से लास्ट फाइनल है। तो इसी के साइड में क्या रहता है, तो लीवर रहता है, क्या रहता है, लीवर, 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 समझ रहे हो ना, ऐसे ही पिक्चर बनाना, ये यहां से, ठीक है। अब ये एनस से जुड़ा हुआ क्या रहता है, बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत जोड़ दिए हम लोग, बड़ी आंत जुड़ा, ये बड़ी आंत क्या है, इसमें खाना आता है, खाना आता है फाइनल होके, और यहां से क्या करता है, गुदा में चला जाता है, ये खाना एब्जॉर्ब करके, इस खाने के अंदर ये तरल रहता है जब बड़ी आंत में, तो पहले आते हैं क्या, यहां मौत, ऐसे लिख देना, मौत याद रहता है, इसलिए मुख्य गुहा कहते हैं, गुहा उसी को कहते हैं, इसे कैविटी, जैसे हा किया ना तो कैविटी, खाना ऐसे हा कैविटी, इसी को कहते हैं। तो ये मौत हो गया, यहां से ग्रास, ग्रासिका है, ये ग्रासिका, ग्रासिका मतलब इसोफेगस, इसोफेगस, गैस कहते हैं इंग्लिश में, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर काम आएगा आपको, और एग्जाम के इससे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया, यहाँ पर क्या है, लीवर, लीवर के नीचे में एक रहता है क्या, पित्त रस का थैली, तो पित्त थैली रहता है, पित्त भंडार भी इसको कहते हैं, इसी भंडार से, इस पित्त थैली से यहाँ पर जब खाना आता है तो कीड़ा मकोड़ा जो रहता है, वायरस फंगल वगैरह, इस पित्त रस से उसको और एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, इसको मार उड़ के, और इसमें यही पित्त रस से फैट वगैरह जो आप खाते हो, है ना, मांस मछली वगैरह, उसमें फैट से होता है, सब्जी में भी हल्का मगर मांस मछली में ज्यादा होता है, तो उसको खाते हो तो ये तोड़ता है पित्त रस, क्योंकि हमारे शरीर को जैसे पानी है वो तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, विटामिन्स वगैरह कर लेगा, मगर जो हार्ड मटेरियल है, कठोर है, बड़ा है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो ये सब चीज इसको तोड़ता है, ठीक है। तो इसी के नीचे, लीवर के नीचे, जिसको कहते हैं यकृत कहते हैं, ठीक है, यकृत कहते हैं, ये हो गया आपका स्टमक, इसी के साइड में पैंकेरियाज रहता है, यहाँ पर कहाँ करता है, पैंकेरियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्नाशय। तो इसको मुंह क्या, इसको ग्रासिका क्या, इसको स्टमक क्या, क्या क्या, स्टमक, तो हिंदी में क्या कहते हैं, अमाशय, क्या कहते हैं, अमाशय, ये अमाशय स्टमक एक ही है, इसी के नीचे में पैंकेरियाज है, उसका नाम सेम लगता है, अग्नाशय और अमाशय में जल्दी बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको पहले लिखो पैंकेरियाज, इसको स्टमक लिख लिया, अमाशय पैंकेरियाज लिखो, पैंकेरियाज लिखो, और तब इसको लिखो अग्नाशय, अग्नाशय,
ना सह। ये आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में इससे भर भर के ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, अब ये आ गया छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं आप लोग। और फिर यहां से चली आएगी ये बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये बड़ी आंत को क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन टाइम, अब एस आई एन टी एस टी आई एन ई, छोटी आंत को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से छोटी मतलब स्मॉल। अब यहां से बड़ी आंत से चला गया कहां, एनस गुदा तक। ये पिक्चर आपको बनाने के लिए आना जरूरी है, आपको ये पिक्चर बनाना पड़ेगा एग्जाम। पिक्चर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो पिक्चर बना दोगे तो आधा नंबर तो इसी में दे देगा मास्टर। उसके बाद क्या लिखना है इसमें, माउथ में क्या है डालते हैं, दांत होता है, जीभ होता है, उसका काम आप जान गए हो। दांत और जीभ का कहानी आप जान गए हो। इसके बाद कहां तक, ग्रासिका में जहां पचता नहीं है, यहां पर से कोई भी एंजाइम सिक्रिट नहीं होता है ग्रासिका, ये सीधा यहां पेट में डाल देता है ये खाना गोला बनकर। तो ये जब चबाते हो ना, चबाया हुआ खाना एकदम चिपचिपा ऐसा हो जाता है, लारूर मिलके वो सब चीज बताएंगे आगे, पहले समझ लो। लारूर बन के तो इसमें जब पेट में आता है तो धप से नहीं गिर जाता है ना, वो धीरे धीरे मसल से जो है ना धीरे धीरे आप ठेलता है। मान लीजिए जल्दी जल्दी खाओगे तो धड़ 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 यहाँ गिरेगा, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे ये इस तरीके का होता है, ये इसमें धीरे धीरे आता है यहाँ। ये खाना को क्या कहते हैं, बोलस। वो लस कहते हैं, खाया हुआ खाना चिबाया हुआ देखोगे गोल ऐसा लुद्दी से टाइप का हो जाएगा, वो बोलस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे क्या कि मुंह में जो खाना जाता है क्या, तो क्या होता है, मुंह में खाना चबाया जाता है वहां पर लार निकलता है। कौन सा लार निकलता है, इंजाइम जिसको कहते हैं, जिस खाना को कर देता है नरम, और जो कीड़ा में कीड़ा हो जाता है उसको मारता है लार इंजाइम। लार ग्रंथि से निकलता है लार, जिसको टाइलिन कहते हैं, अभी लिख के बताएंगे। ये क्लियर हुआ तो थम्सअप या कुछ लिख कर भेजो दोस्त, है बच्चे कुछ लिख कर भेजो कि समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि मुंह में जो लार निकलता है उसको क्या कहते हैं। तो लार ग्रंथि से मुंह से निकलता है क्या, लार। वो लार को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं बोलो कमेंट करके, टाइलिन कहते हैं। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे पाचन तंत्र का पिक्चर अच्छे से समझ गए, तो आइए चलते हैं पाचन तंत्र का पहला पॉइंट, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा क्या है, एलिमेंट्री के माउथ, ये मुख्य गुहा हो गया माउथ। माउथ, ये माउथ में जब खाना जाता है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग, पता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग मुंह है, वो पहला अंग है। भोजन का पाचन शुरू हो जाता है कहां, मुंह से ही। ठीक है, हो जाता है, दांत पढ़ा दिए हैं, जीभ पढ़ा दिए हैं, यहां मुंह से लार ग्रंथि निकलता है। ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, टाइलिन। टाइलिन जो जैसे खाना ले तो थूक की तरह लार आ जाता है ना, उसी को टाइलिन कहते हैं। उस टाइलिन का काम किया है, खाना को सॉफ्ट कर देना, और जो खाना में बैक्टीरियल फंगल वगैरह जो खाना खाते हो उसको मार देता है। जैसे मुंह के अंदर जाता है, अब ये ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली के ऊपर एक फेफड़े का नली होता है, एक खाना वाला, उस दोनों का मुंह एक के जैसे मुंह में डाला ये दोनों, तो उस खाने को फेफड़े के नली में नहीं जाने दे, वहां पर एक दरवाजा रहता है, उस दरवाजा को कहते हैं एपिग्लोटिस। ये याद रखना तो बेहतर है, पूछ सकता है बट ठीक है। उसके बाद ग्रास नली जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस, खाना को पेट में डालता है, इससे पहले भी आप जान चुके हैं। उसके बाद साइड में रहता है यकृत, लीवर। लीवर का क्या काम है, शरीर के सबसे बड़ी भाग, शरीर का सबसे बड़ी भाग भाग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लीवर है। ये 1.5 केजी का होता है एक लीवर,
डेढ़ केजी मनुष्य के इसमें जो लीवर या कृत है वो डेढ़ केजी का होता है। इसी से पित्त रस निकलता है या कृत है, जिसको कलेजी भी कहते हैं। ये पित्त रस भंडार होता है पित्त भंडार में। इस पित्त रस जब यकृत से पित्त रस निकलता है, पित्त रस है ना से निकलता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है, और बसा मतलब फैट को तोड़ता है। तो क्षारीय क्यों बनाता है, जब पेट में जाता है तो वहां पर बैक्टीरिया कुछ बच बचा जाता है, तोड़ देता है उसको, और हार्ड मटेरियल को फैट को तोड़ता है। यही उसके साइड में पित्त थैली पित्त भंडार रहता है, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। आप लोग सुनते होंगे कि गॉल ब्लैडर का फलनमा का हुआ है ऑपरेशन, निकाल दी से पित्त रस, क्यों निकाल देता है, उसमें पित्त स्टोन वगैरह हो जाता है पित्त के अंदर में, जिसके वजह से ये होता है लवण। ये लवण होता है पित्त लवण, क्या करता है, बसा फैट को स्टमक में तोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बच्चे मुंह से खाना आया कहां, ग्रास नली, वहां से ग्रासिका से कहां चला गया, अमाशय स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है खाना का जानते हैं, ये खाना जब स्टमक में चबाया हुआ जाता है तब सबसे पहले उसको बोलस कहते हैं, उस खाना को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। पेट में खाना 3 से 4 घंटा रहता है, ठीक है। पेट में एक अम्ल एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रोटीन पाचक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत सारे जगह आपको मिलेगा ना, एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन आ सकता है, टॉप करना है तो पढ़ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक है, ये एंजाइम जो पेट से निकलता है उसमें पेप्सिन और लाइपेज निकलता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा तो आप जानते हैं कि वो गला सारा पचा देता है, खाना को भी पचाता है वही, तो पेट का इतड़ी भी पच जाएगा, सड़ जाएगा या गल जाएगा ना, ये दिमाग में आया होगा आपके, अगर नहीं आया होगा तो लगाओ थोड़ा सा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब चीज को एकदम देता है, गला देता है। तो ये जैसे पेट में खाना आया है ना, ये पेट बना दिया, स्टमक यहां से चला जाता है, ये स्टमक के लेयर पर ये ऊपर वाला बना दिया है क्या, एक सलेस्मा, क्या है, सलेस्मा। ये सलेस्मा क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है तो वो उसको इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है, रक्षा करता है, इसको सड़ने गलने पचने नहीं देता है, है ना, ये याद रखना। तो सलेस्मा अमाशय के आंतरिक, जैसे ये पेट है अमाशय, इसके आंतरिक स्तर पर एक अम्ल से रक्षा करता है सलेस्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। चलिए, सलेस्मा के बाद जब खाना पेट में आया ये स्टमक में, तो यहां से फिर चला गया छोटी आंत में, तो छोटी आंत में खाना क्या करता है, वहां भी पचता है, वहां भी बहुत सारे एंजाइम से, धीरे धीरे सुनना, बहुत बड़ा नहीं है, ये टॉपिक समझ गया, पूरा बायोलॉजी आपका है, पूरे बायोलॉजी पर आपका राज होगा, राज, क्योंकि सबसे टफ जो है इसमें यही है थोड़ा सा, उसके बाद तो मौज, इसको 2-4 बार देखना पड़े, देखो, बहुत छोटा बहुत शॉर्ट में बना रहे, मगर एक भी चीज नहीं छोड़ रहे बच्चे, है ना, लाइक शेयर करते रहो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, कुछ लिख के भेजो। तो बच्चे यहां तक आप लोग समझ गए कि स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके ऊपर एक सलेस्मा होता है, सलेस्मा जिसकी रक्षा करता है इस एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रक्षा करता है। फिर आ जाता है खाना किसमें, छोटी आंत में, छोटी आंत के बगल में ही रहता है एक अग्नाशय, जिसको क्या कहते हैं, पैंक्रिया कहते हैं, जिसको पैंक्रियास कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं, है ना, ये याद रखना बहुत। ये पैंक्रियास का क्या काम है, छोटी आंत में जब खाना आता है, खाना आने के बाद अग्नाशय, ठीक है, इसी पैंक्रियास को, ये पैंक्रियास एक एंजाइम छोड़ता है, क्या छोड़ता है, एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम, का सीक्रेट करता है, स्राव करता है। ये क्या करता है, जब भोजन में अम्लीय होता है, ये अमाशय से आने वाला, ये अमाशय में बोलस जो है, बोलस
यहाँ खाना बोलस आया ऐसे ऐसे ये गोल बन, ये यहाँ से जब आता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिल गया है तो ये अम्लीय हो गया है। तो अग्नाशय इंजाइम जो अग्नाशय ये यहाँ पर साइड में है, ये इंजाइम इसमें सिक्रिट छोड़ता है, क्या एक इंजाइम छोड़ता है जिसको अल्कलाइन, अल्कलाइन इंग्लिश में कहते हैं क्षारीय बनाता है, ताकि एसिडिक खाना रहेगा पेट में तो ये पेट में ही गल जाएगा है ना, तो पेट को अल्कलाइन क्षारीय बना देता है। तब इस छोटी आंत को कहते हैं क्या, क्षुद्रांत, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये आहार नल का सबसे लंबा भाग है, कितना मीटर, एक तो आहार नल है 32 फीट का 9 मीटर का, उसके बाद छोटी आंत जो है ये 7 मीटर इसका लंबाई है, और चौड़ जो आता है खाना बोलस यहाँ, तो ये बोलस में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग चावल वगैरह सब्जी वगैरह खाते हैं और भी सारा चीज, तो फैट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, सारा चीज आके कहाँ पचता है, ये छोटी आंत में पचता है, ये छोटी आंत में क्या पचता है, यहाँ पर पच के क्या करता है, इस छोटी आंत में, ये मान लिया छोटी आंत है, इसमें ये रोम की तरह छोटी आंत में रहता है, क्या एक उंगली नुमा संरचना कर रहता है, ये पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है ताकि आपके बॉडी में जा सके, खून के नस से जुड़ा हुआ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जब छोटी आंत में आता है खाना, यहाँ पर खाना का एब्जॉर्बेशन होता है, जो चीज आपको एंजाइम प्रोटीन वगैरह पच के एकदम महीन होता है, हो जाता है, तो ये इसके अंदर में एक रोम होता है, ये आपको अब्सॉर्ब करता है ना, ये फिर बॉडी में पहुंच जाता है, ये जुड़ा किससे रहता है, नस से जुड़ा रहता है। यही खाना जब हम लोग खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, तो ये इतना प्रोसेस लंबा है, ये खाना 3-4 घंटा यहाँ रहा, 4-5 घंटा यहाँ रहेगा, फिर एब्जॉर्ब करता है खाना से क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से सारे चीज विटामिन से को एब्जॉर्ब करके आपके नस में जुड़ा रहता है, वो पहुंचाता है, फिर खून से ही तो हमें एनर्जी मिलता है, खून बनेगा तब तो एनर्जी चलने फिरने ये लिखने उखने का है, सारा चीज आ रहा है समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आते हैं पाचन का अंतिम तंत्र पर, उसके पहले क्षुद्रांत आप लोग पढ़ चुके थे, क्षुद्रांत को अच्छे से ध्यान में रहता है कि क्षुद्रांत में आपको रोम होता है, वही रोम एब्जॉर्ब करता है खाना उना पचे हुए को, विटामिन से मिनरल वगैरह को, जलूल वहीं पर अवशोषित होती है। अब खाना छोटी आंत से आ गया कहाँ, बड़ी आंत में, ये छोटी आंत था यहाँ पर, छोटी आंत, ये छोटी आंत हो गया, यहाँ पर बड़ी आंत कनेक्ट है, ठीक है, बड़ी आंत कनेक्ट है यहाँ से एनस, तो यहाँ पर पचे हुए भोजन का अंतिम क्रिया क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन वो गीला रहता है पानी की तरह, तब ना, तो वो बड़ी आंत में आता है, वहां पर जल सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके जो बचा भोजन रहता है जो उसको मल द्वारा, मतलब मल के रूप में एनस, यहाँ पर गुदा है, एनस इसे कहते हैं, गुदा लास्ट जिसको लैटरिन बोलते हो आप लोग, निकल जाता है। ये टोटल हुआ पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप लोगों को ये पर दो बार देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे बड़ी बात बच्चे क्या है कि इसको अगर आप समझ गए तो आपके लिए बायोलॉजी एकदम बल्ले बल्ले है, आप काम इतना थोड़ा सा एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा मेहनत करो तो अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।